नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ में मदरसा संचालन नियमावली में संशोधन को लेकर मदरसा बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली ने बैठक में एक अनोखा प्रस्ताव रखा। कमर अली ने प्रस्ताव में मदरसों में शुक्रवार के बजाय रविवार को साप्ताहिक छुट्टी की बात कही है। कहा जा रहा है कि उनके इस प्रस्ताव का बैठक में मौजूद कुछ सदस्यों ने विरोध भी किया। अनादि टीवी के संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इस विवादित मामले को लेकर मदरसा बोर्ड के मेंबर कमर अली से सीधे सवाल किए हैं। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली। कमर अली जी ने कल मदरसा बोर्ड की बैठक में नियमावली के संशोधन के लिए एक बैठक थी, इस बैठक में एक प्रस्ताव रखा है और वो प्रस्ताव ये है कि अब मदरसों में शुक्रवार के बजाय रविवार को छुट्टी होनी चाहिए। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या सोचकर उन्होंने प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव पर बाकी सदस्यों और चेयरमैन की क्या कुछ राय थी। कमर अली जी, ये जो प्रस्ताव आपने मदरसा बोर्ड की बैठक में रखा कि मदरसों में शुक्रवार के बजाय रविवार को छुट्टी हो, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मदरसा बोर्ड के मेंबर के साथ साथ मैं परीक्षा समिति का मेंबर भी हूँ। सिद्धार्थनगर से लेकर मैंने औरैया तक का दौरा किया है और परीक्षा के वक्त किया है, तो उन प्रिंसिपलों का, उन शिक्षकों का और स्टूडेंट का मुझसे ये मांग थी कि आप मदरसा बोर्ड के मेंबर हैं, परीक्षा समिति के सदस्य हैं, आप हमारे सुझाव को लीजिए। मदरसा बोर्ड की बैठक हो तो उसमें जाके एक प्रस्ताव ये रखिएगा कि जुमे की नमाज़ की जो बात है, 2 घंटे की छुट्टी या 1 घंटे की छुट्टी हो जाए जी, जिससे कि हम नमाज जुमे की अदा कर सकें और संडे को छुट्टी हमें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो मदरसे चला रहे हैं बेसिक शिक्षा की तर्ज पे चला रहे हैं और तनख्वाह भी बेसिक शिक्षा की तर्ज पे दे रहे हैं। जब से ये सरकार बनी, 1 से 5 तारीख के बीच में अकाउंट में तनख्वाह आ जाती है। जब फैसिलिटी हमारे पास बेसिक शिक्षा की है तो हमें सुविधा भी बेसिक शिक्षा की तर्ज पे मिलना चाहिए। ये मांग उनकी थी। कल संशोधन 2016 नियमावली को लेकर बैठक थी, मैंने इस प्रस्ताव को बोर्ड के सामने रखा, तो बोर्ड के सामने रखा तो मेंबर इस पे राजी थे, तो चेयरमैन साहब ने ये बात कही कि अगली बार इस बारे में बात करेंगे। अभी क्योंकि संशोधन 2016 नियमावली को लेकर बैठक है, अगली बैठक में इस बारे में बात होगी, तो मुझे उम्मीद है कि अगली बैठक में जो है ये बात जो है पास हो जाएगी और माननीय धर्मपाल सिंह जी का मंत्री जी को हम भेजेंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी भेजेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला है वो मान होगा। मेन मुख्य धारा में लाने की बात है, एक बच्चा बेसिक शिक्षा में पढ़ने जाता है तो उसकी छुट्टी जो होती है संडे को होती है, जो मदरसे में पढ़ने जाता है उसकी शुक्रवार को होती है, तो ये भेदभाव लग रहा है। ये भेदभाव हमारी सरकार चाहती नहीं है। हमारी सरकार मुख्य धारा में लाने का उद्देश्य है और कंधे से कंधा मिला के चलने वाले, हमने वोट बैंक नहीं समझा, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान को वोट बैंक नहीं समझा, मेन मुख्य धारा में लाने की बात है। अच्छा, तकनीकी रूप से आप क्या सोचते हैं कि यदि ये बदलाव होता है तो उसका क्या फायदा हो सकता है, तकनीकी रूप से क्या फायदा? देखिए, फायदा एक ये हो सकता है, जब शुक्रवार को मदरसा बंद होता है तो शासन प्रशासन दोनों काम करता है। एक तकनीकी बात मैं आपको बता रहा हूँ, शासन प्रशासन दोनों काम करता है और मदरसा उस दिन जो है बंद रहता है। अगर कोई सर्वे करना चाहे, योजनाओं का लाभ देना चाहे, योजनाओं के बारे में बताना चाहे, तो उसको अचानक मालूम होता है कि शुक्रवार है और आज मदरसा बंद है, तो प्रोग्राम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से अब संडे पे हम आ जाते हैं, जब संडे के दिन मदरसा खुलता है तो